किसी सियासी पार्टी के रहनुमा हैं? नहीं ना, लेकिन आपकी कसम है सरकार, अगर आपने पढ़ा लिखा ना होता तो आज इज्जत भी होती, दौलत भी होती, शोहरत भी होती और किसी मुल्क की सदारत। मगर आपकी ये पढ़ाई हमारी जान के लिए तो अजाब बन गई ना। जी हाँ, आप जैसे पढ़े लिखे लोगों से मुतासिर हो गई तो हमारी वालदा मोहतरमा दिन रात लगातार टिक 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 इस बात का वेट करती है कि पढ़ लिख लो, बगैर तो पढ़ोगे नहीं तो क्या मिलेगा। मगर मैं क्यों पढ़वा रही हूँ काम, मुझे नहीं पढ़ना। स्कूल और कॉलेज को आइंस्टाइन और बिल गेट्स नहीं गए थे तो मैं क्यों सुबह सुबह उठ के अपनी नींदें हराम करूं। मैं तो वो बनना चाहती हूं जिसमें इज्जत भी है, शोहरत भी है, ग्लैमर भी है, दौलत भी है, मगर पढ़ाई बिल्कुल नहीं। जी आलोकार, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूं। लो, आपको भी मेरी सलाहियतों पर भरोसा नहीं, चले मुझे छोड़े। याद है ना शेक्सपियर साहब क्या फरमा के गए थे, ये दुनिया एक स्टेज है और उसके आने वाले इंसान अदाकार वगैरह वगैरह। तो मैं भी तो एक इंसान हूँ, यानी अदाकार हूँ, फनकार हूँ, तो मैं क्यों पढ़ूं। की एक वजह है दरअसल हुआ कुछ यूं कि हमारी फुफ्ती के चचा पीएचडी डॉक्टर टीवी पे ऑनलाइन शो किया करते थे। शो में सारे आलिम फाजिल लोग आते थे, पैसों की बेल थी, मगर अचानक कुछ यूं हुआ कि ना वो डॉक्टर रहे और ना उनके शो पे आने वाले आलिम, ना उनकी डिग्री ऐसी रही और ना वो खुद। हमारा तो इतना करीबी रिश्ता ठहरा तो हमने पूछ लिया कि मौसूफ अगर पढ़ा लिखा नहीं था तो वो डिग्री वगैरह। कहने लगे मैं क्यों पढ़ता, मैं तो अदाकार। रोता तो ऐसे ही कपड़ों लगे, हंसता तो ऐसे ही कपड़ से लगे, और बेवकूफ बनाने पे आया तो ऐसा बेवकूफ बनाया कि लोग चार साल तक बनते ही रहे। बहुत देर के बाद आजकल मैंने सोच लिया मैं पढ़ूंगी। अरे मैं अदाकार हूँ, और वैसे भी आजकल तो पाकिस्तानी अदाकारों से हद तक मुतासर हूँ कि अदाकारी के सिवा कुछ सोचना भी गुनाह कबीरा लगता है। जी आलोकार, मेरा भी दिल चाहता है कि मैं पाकिस्तानी अदाकारों की तरह ब्रिटिश एक्सेंट में फट फट अंग्रेजी बोलूं, जैसे आई एम सफरिंग फ्रॉम कराची टू लाहौर। मेरा भी दिल चाहता है आलोकार कि मैं इंडिया के किसी रियलिटी शो पे जाके, मैं इंडिया के किसी रियलिटी शो पे जाके किसी हिंदू को नमाज पढ़ाऊं। अब आप ही बताएं, अगर मैंने भी पढ़ना लिखना शुरू कर दिया तो लोग मुसलमान कैसे होंगे। मगर हमारी वालदा को कौन समझाए, उन्हें बस एक ही बात समझ आती है, अगर एनडी की डिग्री नहीं होगी तो रिश्ते कहाँ से आएंगे लड़की। मगर मेरी मोटे मोटे चश्मे लगा के बैठे बच्चों को देख के दिल में आता है हर शाम को उल्लू बैठा है अंजामे बोलता क्या होगा। अरे कोई तो रोको इन पढ़ने वालों को, पढ़ने से बड़ा बाकी इस मुल्क के मुस्तकबिल का क्या होगा। आधी ह्यूमन रिसोर्स तो कंपनियों के दरवाजों के एड़ियां रट दिया जाएगी। अब हम बेचारे आटे में नमक के बराबर अदाकार इस मुल्क को कहां तक संभालेंगे। सो बी एन पर कल तो कुछ ही वालों का मैं हंस हंस के पागल हूँ। जी हाँ, बच्चा मुझसे कहने लगा मैं पढ़ लिख कर सियासतदान बनूंगा।